हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। सो आज हम करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक स्टोरी था सुंदरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द पार्ट टू ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, आज हम इसका क्या करेंगे, एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे। ठीक है, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डील्ड विद दिस स्टोरी ऑफ दिस सुंदरी एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो लेट्स रिकैपिचुलेट इट। ओके, द स्टोरी तो क्या था, सुंदरी। ठीक है, सुंदरी क्या है, एक रेड व्हाइट एंड रेड कलर का क्या है, वो एक पतंग है ना, और उसको बनाया किसने था, बॉबी नाम का एक लड़के ने। एंड और उसका नाम सुंदरी क्यों रखा, क्योंकि वो क्या था, बहुत ब्यूटीफुल था, है ना। सुंदरी का मतलब है ब्यूटीफुल, है ना। तो वो बहुत सुंदर था, जब उस बॉबी ने उसे बनाया तो क्या किया बॉबी ने, मैं तुम्हें सुंदरी कह कर बुलाऊंगी करके उसका नाम क्या रख दिया, उस पतंग का नाम सुंदरी रख दिया बॉबी ने। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था, एक दिन वो कहाँ जाता है, बॉबी सुंदरी को लेकर एक फेयर में, फेयर मतलब मेला। ठीक है, वो मेला में लेकर जाता है सुंदरी को, और मेला में क्या हो रहा है, सब मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड है वहाँ मेला पर, है ना, वो चल रहा है राउंड एंड राउंड करके, वहाँ पर लड़का लड़की सब लोग वहाँ पर बैठकर वो खेल रहे थे मेरी गो राउंड। एंड द बैंड वॉज प्लेइंग, है ना, बैंड वॉज प्लेइंग म्यूजिक। सो देयर एंड ऑल द पीपल वर स्माइलिंग देयर, है ना, सब लोग इंजॉय कर रहे थे, सब लोग खुश थे उस मेला पर। एंड बॉबी ऑल्सो वेंट टू दैट फेयर, एंड वो जाकर क्या किया उसने, वो जाकर एक खुली जगह ढूंढा उसने। ठीक है, बॉबी ने एक खुली जगह ढूंढा, और ढूंढकर उसने एक ओपन स्पेस ढूंढा, और उसमें क्या किया, वो अपने सुंदरी को उड़ाने के लिए, है ना, उसने मेला में एक ओपन स्पेस ढूंढा, है ना, और एंड उसने क्या किया, उसके बाद वो सुंदरी को उड़ाने लगा। ठीक है, जब वो सुंदरी को उड़ाने लगा तब क्या हुआ, सुंदरी उड़ नहीं पाती है ना, जितना हाइट पर वो जाना चाहती थी वो नहीं जा सकती, क्योंकि जो उसका सुंदरी का जो टेल है, नीचे जिसका वो पूछ होता है, जैसे पतंग में होता है ना, यूजुअली पतंग्स में होता है, एट द एंड वो लंबा सा एक ईयर, यू कैन सी ऐसा, सॉरी यू कैन सी हियर, पूछ, यू कैन सी, है ना, तो ये पूछ जो था वो क्या हुआ, ये पूछ को क्या किया था, उसका जो डॉग है उसने क्या किया था, उस पूछ को मुंह पर था, है ना, वो जो पूछ था काइट का, वो एक डॉग ने पकड़ा हुआ था, है ना, उसके मुंह से। तो क्या हुआ, सुंदरी ठीक से उड़ नहीं पाती है। सो क्या करता है बॉबी उस डॉग को भगा देता है ना, ही शूट अवे। ठीक है, शूट अवे इट मीन्स दैट उसने वो कुत्ता को भगा देता है। एंड जब उस डॉग को भगा देता है तब क्या होता है, सुंदरी क्या करता है, सुंदरी भी एक क्या करती है, हाई जंप लेती है, जैसे छलांग मारती है, जोर का एक हाई जंप। ठीक है, और वो क्या करता है, अपने आप को पुल भी करता है। एंड जब वो पुल करता है अपने आप को, तो क्या करना पड़ता है, बॉबी को भी उसे छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, आखिर में एट द एंड बॉबी हैड टू लेट गो ऑफ द सुंदरी। ठीक है, उसे छोड़ना ही पड़ता है आखिर में, क्योंकि वो सुंदरी क्या करता है, अपने आप को जोर से पुल करता है। ठीक है, अपने आप को बहुत हार्ड से पुल करता है, अपने आप को खींचती है अपने आप को, एंड वो उड़ने का बहुत क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, वो उड़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और अपने आप को बहुत पुल करता है। एंड एट द एंड बॉबी हैड टू लेट गो। ठीक है, उसे बॉबी को छोड़ना पड़ता है, और जब बॉबी उसका वो जो ढील जो बॉबी ने पकड़ा हुआ था उसे छोड़ देता है, तब क्या करता है, सुंदरी फ्रीली वो आसमान में जितना ऊंचा चाहे वो उड़ सकती है ना। जब वो बॉबी उसे जो ढील था वो छोड़ देता है, एंड
सुंदरी क्या करता है फ्रीली, ठीक है, उसे फ्रीली वो क्या करता है आसमान में उड़ती है, ठीक है, उसे जितना मर्जी उसे ऊंचा उड़ना चाहती है वो उतना ही ऊंचा उड़ पाती है, ठीक है, इस स्टोरी में यही था, है ना, सुंदरी सुंदरी स्टोरी में। सो आज हम देखेंगे वर्ड मीनिंग, ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ओनली डील्ड विद द न्यू वर्ड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर वर्ड्स, ओके, एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। सो नंबर वन वर्ड इज FAIR, फेयर, ठीक है, फेयर, FAIR, फेयर, फेयर का मतलब है मेला, MELA, मेला, ठीक है, मेला सबको पता है, फेयर सपने सब तो गए होंगे ना मेला में, तो इट इज अ फेयर मतलब मेला, जहाँ पर क्या होता है बहुत सारे खेलने का चीज होता है ना, गाना बज रहा होता है, खाने का चीज बहुत होता है वहाँ पर, है ना, सो फेयर मीन्स मेला। एंड नंबर टू इज ट्यून, TUNE, ट्यून, ट्यून मीन्स म्यूजिक, ठीक है, MUSIC, म्यूजिक, इट मीन्स म्यूजिक, ठीक है, ट्यून मतलब जो धुन है, धुन, ओके, जैसे कि जब हम कोई भी चीज़ बजाते हैं, गिटार बजाते हैं या फिर पियानो, ड्रम, ऐसा कोई भी चीज़ बजाए उसमें से क्या निकलता है, एक धुन निकलता है ना, दैट इज द ट्यून, ओके। नंबर थ्री इज हुडन, WOODEN, हुडन, हुडन मीन्स मेड ऑफ हुड, ओके, हुडन मीन्स मेड ऑफ हुड, हुडन मतलब क्या है, लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, इट इज अ लकड़ी, इट मीन्स अ मेड ऑफ हुड, मीन्स लकड़ी का बना हुआ। एंड द नेक्स्ट इज शूट, SHOOED, शूट मतलब टू स्केयर और फ्राइटन, इट मीन्स किसी को डराना या फिर किसी को भगाना होता है ना, जैसे कि हम डॉग्स को देख कर क्या करते हैं, शू, ठीक है, उसे भगाना, इट मीन्स भगाना, ओके, और कैन से इट्स फ्राइटन, किस डराना, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज लीप्ड, LEAPED, लीप्ड, LEAPED, लीप्ड, इट मीन्स हाई जंप, ठीक है, छलांग लगाना, जोर से, जोर से छलांग जो लगाना है ना, उसे कहते हैं लीप्ड, LEAPED, लीप्ड। सो वी विल see it once again. Number one is fair, 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 and the meaning of the fair is mela, MELA, mela. And the second one is tune, 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 tune means music, MUSIC, music. And the third one is wooden, 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 and the meaning of the wooden is made of hood, made of hood. And the fourth one is SHOOED, shoot, SHOOED, shoot means scare or frighten, scare, 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 or FRIGHTEN, frighten. And the last one is LEAPED, leaped, okay, LEAPED, leaped, it means high jump, HIGH, high, JUMP, jump. Now we will look into this self-made questions and answers, okay? And number one question is, who is Sundari? Sundari kaun hai? The answer is, Sundari is a big, red, white and blue kite. Sundari kaun hai? Sundari ek big, red, white and a blue क्या है, kite, सुंदरी क्या है, एक बड़ा सा नीला, लाल सफेद and नीला रंग का एक पतंग है, ठीक है। Number two question, what was the band doing, what was the band doing, जो बॉबी मेले पे गया था उस मेले पर क्या हुआ था, बैंड था, है ना, एंड वो बैंड क्या कर रहा था, व्हाट वाज द बैंड डूइंग, बैंड मींस हियर इन दिस स्टोरी द बैंड मींस अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, जो म्यूजिक बजा रहा है, ठीक है, क्या है, द बैंड वाज प्लेइंग अ म्यूजिक, ये बैंड क्या कर रहा था, वाज प्लेइंग अ म्यूजिक, बैंड मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल और द म्यूजिशियंस, वी कैन से म्यूजिशियंस ऑल्सो और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है,
उसे कहता है बैंड, BAND, बैंड. एंड नंबर थ्री क्वेश्चन इज व्हाट वाज मेरी गो राउंड डूइंग. मेरी गो राउंड क्या कर रहा था. द मेरी एंड आंसर इज इट वाज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून एंड कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स. ठीक है, वो क्या कर रहा था. द मेरी गो राउंड वाज प्लेइंग happy little tune. It was playing a tune also. The merry-go-round was playing tune as well as it was carrying a lots of boys and girls. ठीक है, वो क्या कर रहा था. म्यूजिक भी बजा रहा था एंड साथ साथ में उसमें क्या था, बॉयज एंड गर्ल्स भी वहां पर थे एंड दे वर प्लेइंग. ठीक है, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड करके खेल रहे थे ऑन इट्स वुडन एनिमल्स. वहां पर क्या था, वुडन एनिमल्स, लकड़ी का बना हुआ एनिमल्स थे. ठीक है, आप लोगों ने देखा है वो गाना वुडन मेरी गो राउंड कैसा होता है और इसमें वुडन का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स बना हुआ है, बना हुआ होता है. घोड़ा वी कैन से, है ना, वन ऑफ द एनिमल्स वी कैन से इज घोड़ा. एंड द नेक्स्ट इज Why could Sundari not go very tall? Why could Sundari not go very tall? The answer is Sundari could not go very tall because a little dog was holding on her long tail. ठीक है, Sundari क्यों बहुत ऊंचा पर वो फ्लाई नहीं कर सकी एट द फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट टाइम जब वो बॉबी ने उसे उड़ाने की कोशिश की थी तब वो उड़ क्यों नहीं पाई थी, क्योंकि सुंदरी उड़ नहीं पाई थी, टॉल बहुत ऊंचा उड़ नहीं पाई थी क्योंकि उसका जो टेल था, वो किसने पकड़ा हुआ था, डॉग ने, एक छोटा सा डॉग ने वो क्या करा था, पकड़ा हुआ था, है ना, इसलिए सुंदरी उड़ नहीं पाती है. ठीक है, एंड नंबर फाइव क्वेश्चन इज व्हाट डिड बॉबी लुक फॉर. बॉबी ने किस चीज के लिए, वो किस चीज को दे मतलब ढूंढ रहा था और फिर वो खोज रहे थे कोई किस चीज को. ठीक है, व्हाट वाज ही लुकिंग फॉर. जब वो मेले में गए था वो फर्स्ट ने उसने क्या चीज ढूंढा. ठीक है, आंसर इज बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट. ठीक है, उसने क्या किया, ही लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस. उसने एक क्या किया, ओपन स्पेस, ठीक है, जो खुली जगह होता है उसे ढूंढा. एंड व्हाई, बिकॉज ही वांटेड टू फ्लाई हिज काइट. ठीक है, उसे अपना जो पतंग था उसे उड़ाना था तो इसलिए उसने एक खुली जगह को ढूंढा. नाउ लेट्स गेट इनटू द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो. नंबर वन क्वेश्चन इज हु मेट सुंदरी. सुंदरी को किसने बनाया. The answer is Bobby met Sundari. सुंदरी को किसने बनाया है, सुंदरी को बनाया है Bobby नाम का एक लड़का ने, है ना. And number two question is why did Bobby call his kite Sundari. Bobby ने अपने kite को सुंदरी क्यों बुलाया, क्यों, क्योंकि answer will be Bobby called his kite Sundari because it was very beautiful. क्योंकि वो बहुत सुंदर थी इसलिए Bobby ने उसका नाम क्या रख दिया, सुंदरी. ठीक है, which means beautiful. Number three, did Sundari fly high at first. Did Sundari fly high at first. वो जब first में fly करने की कोशिश की थी तब वो उड़ पाई थी. The answer is no. Sundari did not fly very high at first because a dog was pulling her tail. क्यों सुंदरी उड़ नहीं पाई थी, क्योंकि उसका जो tail था वो क्या था, a dog was pulling her tail. ठीक है, उसका जो एक कुत्ता वहां पर एक छोटा सा क्या था, डॉग था, उसने उसका tail क्या किया था, पकड़ा हुआ था तो इसलिए वो उड़ नहीं सकी. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स. क्या तुम्हें पसंद है पतंग उड़ाना. एंड आंसर इज येस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स. ठीक है,
yes, I like to fly kite. Next is, who helps you fly kites? Who helps you to fly kites? The wind helps us to fly kites. ठीक है, पतंग उड़ाने में कौन हमें मदद करता है? विंड. ठीक है, जो हवा चलती है उसी की हेल्प से ही पतंग उड़ता है ना. तो ऐसा ही विंड हेल्प्स अस टू फ्लाई काइट्स. लेट्स से इट वंस अगेन. हु मेड सुंदरी? बॉबी मेड सुंदरी. व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी? व्हाई? बिकॉज बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. एंड द सेकेंड इज, डिड सुंदरी फ्लाई हाई एट फर्स्ट? डिड सुंदरी फ्लाई high at first? No, Sundari did not fly very high at first because the dog was pulling her tail, hai na. Do you like to fly kites? Yes, I like to fly kites. Okay, and who helps you fly kites? Wind helps us to fly kites. And here is one question. What made Sundari really happy? Okay, what made Sundari really happy? We can write it here, the answer. Answer is, when she could fly freely, when she could fly freely up in the sky, when she could fly freely up in the sky, when she could fly freely freely up in the sky, she Sundari was S-U-N-D, Sundari was really happy. The answer will be this. Okay, why was Sundari really happy? When she could fly freely freely up in the sky. ठीक है, जब वो freely उड़ पाई आसमान में. ठीक है, is when she could fly high up in the sky freely, that time she was very happy. Now the let's get into the exercise. Take the objects you need to fly a kite. Color the kite. ठीक है, you can see the picture here, है ना. यहाँ पर एक पिक्चर है. तो यहाँ पर क्या करना है? What are the things that we need to fly a kite? ठीक है, एक काइट को बनाने के लिए या फिर we can say उड़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? तो फिर क्या क्या चीज चाहिए हमें एक काइट बनाने के लिए? हमें, do we need stick? Yes, we need stick. So we have to take it here. We need stick. And we also need a roller. उसके ढील के लिए, है ना. Roller and glue. Yes, we also need glue. उसे चिपकाने के लिए. And pair of scissors. Yes, we also need a pair of scissors to cut the paper, cut the plastic to make a kite. Okay. And you have to color the kite in whichever color you want. Okay, you can color it with any color. You can color like this. You can color it here one color, and in the second you can color it with red. Okay, you have to color it. Understood? These are the things that we need to make a kite.
Now the next is, look at the pictures and tell the story in your own words. ठीक है, तो यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हो तुम लोग, इस पिक्चर को देखकर हमें क्या बनाना है? वी हैव टू मेक अ स्टोरी. ठीक है, वी हैव टू मेक अ स्टोरी बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर. हियर इज अ पिक्चर. ओके, द अम्ब्रेला एंड द क्रो. द नेम ऑफ द पिक्चर इज द अम्ब्रेला एंड द क्रो. ठीक है, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है और हमें इस पिक्चर को देखते हुए हमें क्या करना है? इसका स्टोरी बनाना है. ठीक है, हमें लिखना है खुद. So number one is, there is a little girl, you know, it's a rainy day, and there is a little girl with a holding with an umbrella, and here the wind is blowing hard, and the crow came, and the crow crow grabbed the umbrella and take the umbrella, and the last one is the crow with his family. Okay, we have to write it here. Let's see, in the first picture there was a girl and he was holding an umbrella. So okay, first we can write that it was a it is a rainy day. It is a rainy day. ठीक है, first picture में there was a girl and we can see there was it was a rainy day and there was a girl, है ना? The girl is holding an umbrella. Umbrella. She was holding an umbrella and she seems very happy. You know, she was looking very happy, as you can see in the picture. You know, yahan par picture mein dekho. It is a rainy day and the little girl is holding an umbrella and she was happy and seems very happy. है ना, वो मुस्कुरा रही है and happy. Now let's see the next image. यहाँ पर क्या हुआ है? अब यहाँ पर जोर का हवा चलती है और उसका जो अम्ब्रेला है उसे क्या करता है? एक क्रो लेकर उड़ जाती है ना. See, seems very happy and after some time क्या होता है? After some time, wind blew. ठीक है, wind blew. हाँ ठीक है, जोर का हवा चलते है. Wind blew hard and उसके बाद क्या आता है? उसके बाद now crow comes in and now the crow comes and क्या करता है वो? He grabbed the umbrella and क्या करता है वो? उड़ जाती है. Flew far away. उसके बाद वो क्या करता है? वो अम्ब्रेला लेता है उस गर्ल का and वो क्या करता है? उड़ जाती है. As you can see in the picture, वो क्या कर रहा है? वो अम्ब्रेला लेकर वो उड़ रहा है. ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ? He flew far away. Then he placed the umbrella. उसके बाद वो क्या करता है? Then
He placed the umbrella. He placed the umbrella on one of the branches. है ना, उसने क्या कर दिया, उस जो अम्ब्रेला उसने लेकर गया था उसे क्या करता है, एक ब्रांच में रख देता है अम्ब्रेला, वन ऑफ द ब्रांचेस. ही प्लेस द अम्ब्रेला ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस अपसाइड डाउन. है ना, अपसाइड डाउन. ठीक है, अपसाइड डाउन. उसने क्या कैसे रख दिया वो अम्ब्रेला उसने. You can see in the last picture, number fourth picture, umbrella को कैसे रख दिया, ऐसे करके, है ना, upside down. ठीक है, ऐसे रख दिया upside down. ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसने एक umbrella लिया उस एक लड़की का, and उसने क्या कर दिया, branches में जाकर उसने एक upside down करके, उल्टी करके उसने, means उल्टा करके रख दिया उसने umbrella को, है ना, and That's and he placed the then he kept his the, उसके बाद उसने क्या कर दिया, then he kept his then he kept his chicks. Okay, chicks. Then he kept his chicks. Chicks का मतलब क्या है, चिक्स का मतलब जो उसका बेबी होता है ना उसे कहते हैं चिक्स. ठीक है, क्रो को, क्रो का चिक्स मींस क्रो का बेबी. ओके, एंड ही केप्ट हिज चिक्स इन, कहां पर रखता है, इन द अम्ब्रेला जो उसने लेकर आया है अम्ब्रेला उसमें रखता है अम्ब्रेला. एंड उसके बाद क्या करता है, फाइनली द क्रो फैमिली क्या करता है उसे, फाइनली दे फाउंड द होम फॉर द क्रो फैमिली फाउंड ए प्लेस. ओके, Finally, they found the place, or we can say a nest for themselves. It is a rainy day, and the girl is holding an umbrella. She seems very happy. After some time, wind blew hard, and the crow comes and grabbed the umbrella and flew away. Far, far away. Then he placed the umbrella in one of the branches, upside down, and then he kept his chicks in the umbrella. Finally, the crow family found a place or a nest for themselves. Okay. Now let's see. यहाँ पर क्या है? Rearrange the following sentences in the right order as shown in the picture. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, sentences दिया है, have to arrange them in the correct order. ठीक है, हमें इसे correct order में रखना है इस picture को देखते हुए. Let's see, number one, क्या हो रहा है यहाँ पर, it is raining. तो number one is it is raining, and number two we can say the wind blows, hai na, the girl has an umbrella will be number 2. Number 1 is it is raining, the girl has an umbrella. Now uske baad kya hota hai, a wind blows, number 3, the wind blows, and kya hota hai uske baad, The crow flies away with the umbrella. उसके बाद क्या आता है, crow आता है, और crow क्या करता है, umbrella लेकर जाता है. उसके बाद the umbrella hangs from a tree. ठीक है, वो umbrella को क्या करता है, एक tree में
लगाता है, ठीक है, लगाता है. उसके बाद अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट. ठीक, उसके बाद अम्ब्रेला क्या बन गया, उन लोगों का नेस्ट. यहाँ पर देख रहे हो, पहले लड़की है जो ये क्या है, अम्ब्रेला उड़ रही है, एंड उसके बाद हवा आती है और उसे वो अम्ब्रेला क्या करता है, क्रो आके लेकर जाता है, एंड एट लास्ट द क्रो मेक्स अम्ब्रेला देयर नेस्ट. ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज पोर्शन. होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. ओके, दिस स्टोरी वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस क्लास वॉज अ स्टोरी ऑफ अ काइट नेम सुंदरी, मीन्स ब्यूटिफुल. सो क्या हुआ, एक काइट था जिसका नाम सुंदरी, और उसमें क्या था, और इस पार्ट पर हमने क्या किया, एक्सरसाइज पोर्शन को कंप्लीट किया है. ओके, थैंक यू.